नमस्कार, मैं मधुरेश नारायण, स्वागत है आपका प्रभात खबर डिजिटल में। हमारे साथ सीए मनीष जी हैं। हम लोग आज पेटीएम को लेकर के बातचीत करेंगे। लोगों में कई सारी भ्रांतियां हैं पेटीएम को लेकर के, क्या उनका कई सारे सवाल भी हैं कि क्या उनका पेटीएम जो है वो 29 तारीख के बाद वर्क करेगा नहीं करेगा, 15 मार्च के बाद क्या होगा, फास्टैग को लेकर के भी लोग परेशान हैं। तो आज मनीष जी हमारे साथ हैं और तमाम सवालों के जवाब आज हम लोग इनसे जानेंगे। मनीष जी, सबसे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि पेटीएम पर जो प्रतिबंध है वो आरबीआई ने क्यों लगाया? देखिए, समझिए, सबसे पहले पेटीएम एक दो सर्विसेज देती है। एक पेटीएम पेमेंट बैंक है और एक यूपीआई सर्विस देती है। देखिए, पेटीएम कंपनी शुरू से ही विवादों में रही। 2018-19 में जो है इनका अकाउंट एक बार बैन किया आरबीआई ने, क्योंकि इनके कंप्लायंस के इश्यूज चल रहे थे, इनको वार्निंग दी गई। उसके बाद 2021 में इनके ऊपर 1 करोड़ की पेनल्टी लगी। 22 में इनको फिर बैन लगा, इन्होंने फिर रिजॉल्व कर लिया। 23 में फिर इनके ऊपर लगभग 5 करोड़ की पेनल्टी लगी, जी और स्टैट्यूटरी ऑडिट के इश्यू थे, नॉन कंप्लायंस के इशू थे, केवाईसी के इशू थे। इस वजह से अच्छा, इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग का भी शक था, जी इसलिए इनके पेमेंट के ट्रांजेक्शंस पर, जो पेमेंट की पेमेंट बैंक थी उस पर इन्होंने रोक लगा दी। आरबीआई ने इन पर जी ये पॉजिटिव एक्शन लिया है, और अब पेटीएम के वॉलेट में आप 15 मार्च के बाद कोई पैसा नहीं रख पाए। ऐसे जी ही पेटीएम की जो भी सर्विसेज हैं, जैसे फास्टैग है, वॉलेट है, या ऐसी कोई और भी सर्विसेज है, उसमें कोई पैसा आप 15 मार्च तक नहीं रख पाएंगे। यह है जी मुद्दा। ऐसे ही देखिए, पेटीएम की एक अपनी बैंक भी है, पेटीएम पेमेंट बैंक। वहां जी जिनके भी बैंक अकाउंट्स हैं, जहां से किसी का मानो ऑनलाइन पेमेंट जाता है, किसी का ओटीटी का पेमेंट जाता है, किसी का ईएमआई कटता है, किसी का किस्त कटता है, किसी का बिजली का बिल जमा होता है, किसी का मोबाइल का बिल जमा होता है, ये सारे जी पेमेंट आपके बदस्तूर चलते रहेंगे 15 मार्च के बाद भी, लेकिन जी उसी सीमा तक चलेंगे जिस सीमा तक आपका पैसा वहां पड़ा हुआ है। इस बीच में पेटीएम बैंक को लेकर के, फास्टैग को लेकर के क्या क्या बदलाव हुए हैं और आगे क्या क्या उसकी प्रक्रिया होने वाली है? देखिए, पेटीएम को लेकर जैसे कि आरबीआई ने इनको ब्लॉक किया, 29 मार्च तक का टाइम दिया। इसके बाद इनको कहा कि 15 दिन का टाइम और देते हैं, 15 मार्च तक कर लीजिए। यानी अब जी आपके पास अगर पेटीएम का फास्टैग है या जी पेटीएम से रिचार्ज है, तो जब तक आपका फास्टैग में पैसा है तब तक तभी तक आपका इस्तेमाल कर फास्टैग पाएंगे। चलता रहेगा। जी लेकिन अब आप इसमें कोई भी रिचार्ज नहीं कर पाएंगे। अच्छा, कई दुकानदार हैं जिन्होंने पेटीएम की मशीन रखी है, वो पेटीएम से पैसा एक्सेप्ट करते हैं, उनका क्या होगा? मेरे जी पास दो तरीके होते हैं पेमेंट करने के, कि या तो मैं हर बार अपने बैंक अकाउंट से पेमेंट करूं, जी या मैं, है ना, या मैं वो एक एक 2,000, 3,000, 4,000 रुपए, 6,000 रुपए अपने वॉलेट में डाल लूं, तो जी मैं वहां से टुकड़े टुकड़े पेमेंट करूं। इन दोनों में क्या फर्क है वो समझिए, यही जी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जैसे आमतौर पर जी आप अपना एक बैंक अकाउंट मेंटेन करते हैं और जी अपना कुछ 2,000-5,000 रुपए पर्स में रख लेते हैं, आपके बैंक अकाउंट में जी बार बार ट्रांजेक्शन नहीं हुए। जी इसी तरीके से पेटीएम ने एक फैसिलिटी दी कि आप अपना वॉलेट ऑनलाइन मोबाइल के अंदर बना लीजिए, जिसमें आप दो चार जी पांच 8,000 जो भी आपका पैसा है वो रखिए। आपको 1 रुपए से लेके जितने भी रुपए आपको पेमेंट करना है, उतना पेमेंट आप ऑनलाइन धड़ाधड़ धड़ाधड़ करते रहिए। इसका एक जी एडवांटेज ये है कि आपके बैंक अकाउंट के ट्रांजेक्शन में हर छोटी बड़ी ट्रांजेक्शन नहीं आती, तो वॉलेट की जी फैसिलिटी ये होती है आपके बैंक अकाउंट को बार बार डिस्टर्ब नहीं होना, आपका पेमेंट होता जी रहेगा। लेकिन वॉलेट की जी वजह से क्या होता था, जितना पैसा मैंने वॉलेट में डाला उतना वो कंसर्न यूपीआई कंपनी के पास रहेगा पैसा। यानी मैंने पैसा, जी अब हम पेटीएम की बात कर रहे हैं, तो जैसे मैंने 6,000 रुपए अपने अकाउंट से निकाले, मैंने वॉलेट में डाल लिए, अब वो पैसे जी वॉलेट में से मेरे कट रहे हैं, लेकिन जब तक वो खत्म नहीं हो रही तब तक वो पैसे पेटीएम के पास सेफ है। जी पेटीएम उस पैसे को इकट्ठा करके अपने पास रखता था, और उससे वो या तो बैंक में एफडी करा के इंटरेस्ट कमाता था, या जी उसको
उस पैसे से वो आगे लोन बांट के उससे मोटी इंटरेस्ट कमाता था। ये पेटीएम का बिजनेस था। तो वॉलेट से हमें तो मिलती थी फैसिलिटी और उनको मिलता था पेमेंट। तो आते हैं पेमेंट करने वाली बात। तो आपने, मैंने अपनी बात बताई कि मैं कैसे काम करता हूँ, कंज्यूमर कैसे काम करता है। जी मानो मेरा सब्जी वाला है, मदर डेयरी कैसे काम करता है। जब मदर डेयरी के पास पैसे आते हैं तो वो उनके सीधे अकाउंट में पहुंचते हैं। तो ऐसे में किसी भी दुकानदार को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर किसी ने पेमेंट किया है तो उसके अकाउंट में पैसा तुरंत आ जाएगा। जिन लोगों ने बिल्कुल पेटीएम बैंक में अकाउंट खोले हैं उनकी जी पेमेंट 15 तारीख के बाद उनका वो डब्बा एक्सेप्ट नहीं करेगा। यानी अगर मैं 15 मार्च को पेटीएम में पेमेंट करूं तो उनका अकाउंट क्रेडिट नहीं लेगा। यानी उन्हें अपनी पेमेंट की जो फैसिलिटी है उसको 15 मार्च तक किसी दूसरे बैंक में शिफ्ट कर लेनी चाहिए, वरना उसको कोई पेमेंट नहीं कर पाएगा। यानी मेरा सब्जी वाला अगर अपना, अगर उसने अकाउंट मानो फोन पे में खोला हुआ है तो जी उसका अकाउंट उसके फोन पे से लिंक अकाउंट में पहुंचेगा। अगर किसी ने गूगल पे में पहुंचा तो लिंक अकाउंट में पहुंचेगा। अगर भीम में खोला जी तो लिंक अकाउंट में पहुंचेगा। लेकिन अगर उसने अकाउंट अपना पेटीएम में खोला हुआ है तो पेटीएम के बैंक अकाउंट में पहुंचेगा। पेटीएम का अपना एक बैंक है जिसको जी पेटीएम पेमेंट बैंक कहते हैं। जिन लोगों ने, आपने देखा होगा पेटीएम का डब्बा मिलता है जिस पर लिखा होता बिल्कुल है 124 रुपए प्राप्त हुए, है ना। हाँ तो ये उन्हीं के जी होते हैं जो पेटीएम की बैंक से कनेक्टेड है। ऐसे ठीक लोगों को उनकी सेल या सर्विसेज का पैसा अगर वो पेटीएम बैंक में है 15 मार्च के बाद नहीं मिलेगा। वो क्रेडिट एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि पेटीएम ने, आरबीआई ने इसको बैन कर दिया है। लोगों के जी पास पेटीएम के जी अलावे किस फिनटेक में या फिर बैंक में जाने का ऑप्शन बचता है? किसी में भी जा सकते हैं। भारत पे है, गूगल है, एयरटेल बैंक है। इसके अलावा आप नॉर्मली भी अपना अकाउंट भीम ऐप के थ्रू या किसी और के थ्रू अपने किसी भी बैंक से ऐड कर सकते हैं। अगर मेरा पैसा हर महीने मेरे पेमेंट बैंक से 8,000 रुपये कटता था ईएमआई किसी व्यक्ति के, अगले महीने मेरे 15 तारीख के बाद 10,000 रुपये पड़ा हुआ है, 1 अप्रैल को 8,000 रुपये कट गए, फिर 2,000 रुपये बच जाएगा, तो ये 2,000 रुपये का क्या होगा? आपका पैसा सेफ है, पहली बात मदरेश जी कहना चाहता हूं, आपका पैसा सेफ है। मानो आपके 8,000 कट गए, 2,000 बचे, आप उसे कहीं भी यूज कर लीजिए। कहीं भी शॉपिंग करें, खर्च करें, पेमेंट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिफंड करें, ट्रांसफर कर लें। लेकिन आप उसे वॉलेट में ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। किसी को डायरेक्ट यूपीआई से जिस तरीके से पेमेंट करते हैं, अकाउंट टू अकाउंट पेमेंट होती है, वो पेमेंट जी हम कर सकते हैं। इस तरह की खबरें आई थी कि मनी लॉन्ड्रिंग के भी चार्जेज पेटीएम पर लगे हैं। अभी मीडिया में इस तरह की खबरें चल रही हैं कि ईडी को, यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को, मनी लॉन्ड्रिंग के अभी कोई एविडेंस नहीं मिले हैं। इसका नतीजा जी यह निकला है कि यह एक पॉजिटिव खबर पेटीएम के बारे में गई है। वहीं दूसरी ओर जी एक ये भी खबर आ रही है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि उनका एक्सिस बैंक से टाई अप हो रहा है, हो चुका है या जी हो रहा है, इसको हम ऐसे ही समझें। और वहां जी से अगर ऐसा हुआ तो एक्सिस बैंक अगर की गारंटी ले लेगी तो शायद कुछ पॉजिटिव न्यूज पेटीएम के लिए आ जाए। एज ऑन डेट स्थिति यही है कि 15 मार्च की जो डेडलाइन है वो खड़ी है। इसका एक, इन दोनों न्यूज का अच्छा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ये जरूर गया है मधुरेश जी, कि जी इसके शेयर मार्केट, जो मार्केट में जो उसका शेयर प्राइस था जो डाउन हो गया था, अब एकदम से बढ़ गया है। अभी अपर सर्किट लगा था बिल्कुल और मुझे लगता है कि अभी पॉजिटिव रहेगा थोड़े दिनों में। देखिए, भारत पे एक कंपनी थी, फिनटेक कंपनी थी, जिसके जो संस्थापक थे अश्विनी ग्रोवर, उन्होंने उन्होंने निर्मला सीतारमण जी से रिक्वेस्ट करी है कि इतने हार्श एक्शन आपको नहीं लेने चाहिए। इससे क्या है, लोगों में एक खराब मैसेज जाता है कि कहीं हमारा, देखिए लोगों में एक तो डर पैदा हो जाता है, अरे आज मैं यहां हूं तो मैं कहीं दूसरे पे जाऊं, क्या करूं, ये पेमेंट सर्विसेज करूं या ना करूं, मैं वापस अपने कैश के पैटर्न पे आ जाऊं, कहीं देश प्रगति से उन्नति की जगह अवनति के रास्ते पे तो नहीं चल पड़ेगा। ऐसे डर लोगों को होते हैं। लेकिन हमें दो बातें समझने की जरूरत है। जिस तरीके से यस बैंक के मैटर को सरकार ने संभाला, मजबूती से खड़े होके, बिल्कुल एक भी कस्टमर को तात्कालिक परेशानी हो सकती, एक भी पैसे का नुकसान नहीं हुआ, मैं शेयर प्राइस की बात नहीं कर रहा हूं, उस तरीके से हमें समझने की जरूरत है कि आज सरकार जो है बहुत मजबूत है।
कानून का पालन करने वाली है और लूज नहीं छोड़ने वाली है, तो ऐसे में दूसरी फिनटेक कंपनियों को कोई खतरा नहीं है। पहली बात, पेटीएम को भी कोई खतरा नहीं है, उनके बिजनेस ऑपरेशंस की में कोई दिक्कत नहीं होगी, इनके कस्टमर टूटेंगे बाद में फिर जुड़ेंगे बढ़ेंगे, ये सब चलती रहेंगी चीजें। लेकिन जी सरकार एक क्लियर मैसेज ये देना चाहती है कि कानून से ऊपर कोई नहीं। जब आपके पास बिल्कुल लगातार रिमाइंडर जा रहे हैं, नोटिस जा रहे हैं और कंप्लाइंस आप नहीं कर रहे हैं, निस्संदेह जी पेटीएम फिनटेक कंपनियों में मतलब टॉप 5 में कंपनी है। हाँ, ये बात सही जी है कि फिनटेक कंपनियों की अपनी चिंता जायज है कि मामूली छोटी छोटी बातों पर उनका बैंक बंद ना करें, क्योंकि एक बार कस्टमर जोड़ना बहुत मुश्किल होता है और आसानी से जी टूट जाते हैं। तो हमने देखा है पास्ट में ई कॉमर्स कंपनियों को, एक बार कोई नेगेटिव मार्केटिंग हो गई तो एक साथ 10-20-50 हजार कस्टमर, 1 लाख कस्टमर चले गए, तो कंपनी जी की स्थिति में वापस आने में बहुत मुश्किल होता है। लेकिन फिनटेक कंपनियों को चिंताओं को रिजोल्व करना सरकार की जिम्मेवारी है। देखिए, ये देश अब एक ऐसे मॉडल पर चल रहा है जहां कानून सर्वोपरि है। एक मैसेज बिल्कुल था कि पॉलिटिकल लोगों को सजा नहीं होती, कानून अमीरों के यहां गिरवी रखा, ये सब बातें अब नहीं है। अमीर हो या गरीब, जी आपको कानून के दायरे में रहना पड़ेगा। तो फिनटेक कंपनी को भी ये समझना पड़ेगा कि अब कंप्लायंस, कानून का पालन सबसे बड़ा इशू है, और आपको ये कंप्लायंस करने के बाद ही देश में बिजनेस करने की अनुमति दी जाएगी। क्योंकि जी पेटीएम का संबंध चीन से भी है, इसलिए सरकार जी इस मुद्दे पर और भी सतर्क होकर कदम आगे बढ़ा रही है। जी सर एक आखिरी सवाल कि अब कई लोगों में ये भ्रम है कि यूपीआई पेमेंट उनके लिए कितना सेफ हमें यूपीआई है। पेमेंट से घबराने की जरूरत नहीं है, और यह समय बचाता है। यूपीआई जी पेमेंट में बिल्कुल भी चिंता होने की जरूरत नहीं है। अगर मानो जी पेटीएम को वापस रिवाइवल मिल गया तो पेटीएम भी एज इट इज चलेगा, अगर मानो नहीं मिला तो यूपीआई है, भीम ऐप है, या गूगल पे है, या फोन पे, ये सब चलते रहेंगे। यूपीआई पेमेंट निस्संदेह रूप से, निश्चित रूप से 100% सेफ है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप अननेसेसरी अकाउंट पर छोटे छोटे ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा नहीं करते हैं, तो आप वॉलेट में पैसा रखने की जगह अगर डायरेक्ट अकाउंट से करें तो आपको इंटरेस्ट की बचत होगी। जैसे मानो आप 2-4 हजार रुपए अकाउंट में भेजा रखते हैं, वो पैसा अगर वॉलेट में है तो जी वो वॉलेट वाली कंपनी पैसा कम ब्याज कमा रही है, अगर वो आपके अकाउंट में है तो वो आप बिल्कुल कमा रही है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए प्रभातखबर.com पे। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।